इरम, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, क्या है इसमें? मैम, यही तो वो जूसी कंटेंट है जो सबको पढ़ने के लिए चाहिए। नई एक्ट्रेस हैं, आते ही स्कैंडल, प्राइवेट पिक्चर्स ली, इस पर तो एक पूरा कॉलम बनता है कि लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। तो तुम्हें लगता है उसने अपने साथ खुद किया है? पता नहीं, लेकिन कहने में क्या हर्ज है? हर्ज है इरम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है। सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एम्बिशियस। मैं भी हुआ करती थी, अब भी हूं, बट हमेशा मुतमईन रही, इसलिए क्योंकि मैंने अपने जमीर की खिलाफ वर्जी कभी नहीं की। दिस माइट गेट यू अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, बट एट व्हाट कॉस्ट? हम लोग उन मर्दों की बात क्यों नहीं करते जो किसी की प्राइवेसी वॉयलेट करते हैं? उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? But that's boring, ma'am. I am okay with being boring, as long as it's morally correct. तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी कोई दोस्त होती तो क्या तुम उसके बारे में ऐसा पढ़ना पसंद करती? No, ma'am. तो सामने वाले को भी इंसान समझो। And I'm sure you can come up with much better content. I will try, ma'am. शाबाश। क्या समझता है ये आदमी खुद को? हमें इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? लेकिन उसने डायरेक्टली तो किसी का नाम नहीं लिया। प्लीज, उसका इशारा तो हमारी तरफ था ना। किसी को क्या पता हम कितना काम कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम ईमान के साथ हैं तो वो हमें कुछ भी बोल देगा? अब तो नहीं है ना ईमान के साथ। सो मैम, आपको याद है आपकी फाइल में एक एसिड विक्टिम की तस्वीर है जिसे हमारी मदद की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त आपके नहीं, सॉरी, हमारे कमिटमेंट्स कुछ और थे। उसने 2 दिन पहले खुदकुशी कर ली, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही थी और ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, तो उसने जहर पी लिया। तो इसमें मेरी गलती है? हमने उसकी मदद क्यों नहीं की? उस वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या थी? फॉलोअर्स, मीडिया कवरेज? तुम मुझे जलील करने की कोशिश कर रही हो। मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं कर रही हूं मैम, एंड क्वाइट ऑनेस्टली आई एम डन विद दिस बुलशिट। आप चलाएं अपनी ये दुकान जिसका दूर दूर तक किसी कॉसिप कोई लेना देना नहीं है। आई क्विट। परेशान हो? नहीं। इंटरव्यू देख के बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने तुमसे उस बारे में कोई बात नहीं की। अगर तुम उसकी साइड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आई डोंट माइंड। वैसे एनिग्मा का एम्बेसडर पहले वो था ना, और सब तो तुम हो। हाँ, इंटरेस्टिंग। पूछना चाहते हो? बिकॉज़ ऐसा लग रहा है दैट यू वांट टू। नॉट रियली। कुछ चीजें ना पूछी जाए तो बेहतर। मैं बगैर किसी वजह के हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता।
बेटा फौजिया से मिलने आए थे, अब फोन नहीं उठा रही है वो। हाँ नौकरी पे गई है ना। काम पर? ईमान बाजी के घर? नहीं नहीं कोई नई नौकरी लगी है उसकी। आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नया रंग करवा लिया इन्होंने। हाँ नया फ्रिज और नई टीवी भी ली है। हाँ तुम्हारी बेटी को खुश भी तो रखना है ना। कुछ खाओगे पियोगे तुम लोग? नहीं कब तक आएगी वो? पता नहीं, नई नौकरी है कुछ पता नहीं होता। आएगी तो बता दूंगा, फोन करा दूंगा। ठीक है चले चल। आएगी तो फोन करा दूंगा। लगता है बहुत कॉल्स आ रही हैं आपको, किसी से कुछ कहा तो नहीं? नहीं। अच्छा आई वांट टू कीप इट वेरी प्राइवेट ऑल ऑफ इट। मैं किसी को बुलाना भी नहीं चाहती। तुम्हारी शादी है तुम्हारी मर्जी है मान, मैं क्या कह सकती हूँ। जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ सोचा आपने? सोचा
मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों नहीं रहना चाहती हमारे साथ? मैं अपनी बहन के घर रहने जा रही हूँ, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उनका एहसान लेने के बजाय हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम चाहती क्या हो। तुम्हें परफेक्शन चाहिए हर चीज में, अपने इमेज में। और मुझे नहीं लगता जो इमेज तुम बनाना चाहती हो या जो तुम बना चुकी हो उसमें मेरी कहीं जगह बनती है। और मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, जैसे तुम हमेशा सोचती आई हो। कैसे हो गया ये सब कुछ? कहां मर गए थे सबके सब? एक तो ये वहां भी नजर नहीं आ रहा, न जाने कहां चला। सर वो उसके बच्चे की तबीयत सही नहीं थी। अरे तो अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? मैंने किया है साहब। क्या बोला? मैंने किया है साहब। क्योंकि जो इसने किया उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं। खोलो दरवाजा। तू ये कह रहा है तूने मारा इसे? किसी की भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है ना क्या होगा तेरे साथ? जो कुछ हो चुका है इससे बुरा क्या होगा साहब? तो आजादी है, अपने मालिक से मिलूंगा। इसको दूसरे हवालात में बंद करो, इंस्पेक्टर जमाल को बुलाओ और तेरे घर वाले एक मेहरबानी करेंगे साहब। मेरी बीवी को बताना ये सब मैंने किया। कैसे हैं आप अंकित? मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि आयरा को आपके पास छोड़ जाऊं।
लेकिन सोया घर पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, आयरा आपके पास रह लेगी, नो इश्यूज। थैंक यू। सोया, इसे संभाल लेना। I've paid the fees quarterly. यह शहर है, बच्चों को सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सलार, अगर मीडिया वालों ने कुछ पूछा तो वही जो हमने डिसाइड किया कि मैं काम की वजह से कराची में हूं और तुम लोग इस्लामाबाद नए घर में मूव करें। तानिया ने कुछ कहा इस बारे में? चुप है। I'll talk to her. समझाया तो है कि मैं आता रहूंगा। एक और बात भी है, बच्चों को मोना से मिलवाना चाहता हूं मैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। ऐसा तो नहीं कहा। हम सबको खुश रहने का हक है। आप दोनों आ रहे हैं या मूवी लगा लें? हम बिल्कुल आ रहे हैं, बल्कि मैं तो शादी, चलो आ जाओ, चलती आओ जी। तो कौन सी मूवी सेलेक्ट किया जाए? टीआरपी बहुत गिर रही है यार, ये हम क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, देख बुलाओ अभी। मेरी बात सुन रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? जब मुल्क में उसी पे बातें कर रहे हैं, एफिंग चीज कहां से लेकर आऊं मैं? ये देखो भाई, लीक पिक्चर्स ऑफ अपकमिंग एक्ट्रेस। क्या करूं इसका? शो करो इस पे। अच्छा, शो करो। और बुलाऊं किसको? इसके घर वालों को? कम ऑन यार, कुछ मसाला क्रिएट करो, तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें। मसाले का एक्सपर्ट हूं, गोबर का नहीं। दूसरा कला। एंड यू नो व्हाट, मैं तंग आ चुका हूं इन चीजों से। हम उस लड़के पे शो क्यों नहीं कर रहे जिसको जेल में शायद मार दिया गया है, या उसने खुद को मार लिया, पता नहीं क्या। उस बारे में बात करने का क्या फायदा, न लड़की रही न लड़का। और इंसाफ, इंसाफ मिला उस लड़की को? ये ले, मैं इसी पे शो करूंगा, बाढ़ में गई टीआरपीस। ये क्या हो गया इसको?
ये कैसा निजाम है मुस्ना, कोई हमारी बच्ची की बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है तो उस दरिंदे की, उसकी जान की, हमारी साजिश की, कि उसे मदद की जरूरत है, उसका इलाज नहीं किया गया। मुस्ना, उसके नाम के साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को जोड़ा जा रहा है। कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा। मैं उसकी आंखें, उसका लहजा कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह वो मुझे देख रहा था, इस तरह मेरी बच्ची सभी वो इतनी आसान मौत कैसे बच सकता, कैसे। अब तो मजे चुप कराते कराते खुद रोने लगे हैं, हौसला तोड़ दिया अपना। हमारी मानूर अब नहीं रही इस दुनिया में, हमें क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ चीजें हैं अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। और उसकी अदालत में इंसाफ जरूर मिलता जरूर। वो मुझे बहुत याद आती, मुझे भी। सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मैं उस दरिंदे को
फांसी के तख्ते पर लटके हुए देखना चाहता था। हौसला करें अफान, हौसला करें, बस आप ये समझे हमारी मानो इस गली इस दुनिया के लिए नहीं बनी थी। मेरा यकीन जाने वो जहां भी होगी बहुत सुकून से होगी, बहुत खुश होगी। औरत को इतना कमजोर मत समझें आप, उस आदमी को उसके गिल्ट ने मारा है। राफे जैसे मुजरिमों को उनका जमीर मारता है। दिस इज जस्टिस फॉर मानू, जस्ट लाइक जस्टिस फॉर ईमान। क्या हुआ अगर वो केस हार गई? जिंदगी में तो जीत गई ना, कितनी बड़ी रोल मॉडल है सबके लिए। काम भी जारी रखा, लड़ी, शादी भी की और नई जिंदगी की शुरुआत भी। मैडम ये दो अलग बातें हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं? वाज़िम शिया विक्टिम? तो आप अभी भी ईमान को विक्टिम समझती हैं? बिल्कुल। जी मान, लव एट फर्स्ट साइट कहना ठीक होगा ना? Absolutely, you're right. तो ईमान मुझे ये बताइए कि समी को आपकी फील्ड से कोई एतराज तो नहीं है? No, he is extremely supportive. मैं तो खुद एक्टर बनना चाहता था। कहीं इसलिए तो पसंद नहीं आई आपको हमारी ईमान? नहीं, मैं समझता हूँ कि लोगों को बदलने के लिए नहीं अपनाया जाता, वो जैसे हैं वैसे अच्छा लगता है। And I'm very proud of her. बिल्कुल, हम भी आप पे बहुत फख्र करते हैं, बल्कि हमारे मुल्क की सारी औरतें आप पे फख्र करती हैं और आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको ईमान मिली। Absolutely. तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के हनीमून का क्या प्लान है? ये ईमान ने डिसाइड करना है।
इंश्योरेंस फाइल्स और बिल्स, लेकिन इसमें अभी गैस का नहीं है. एंड दिस तुम्हारे पुराने सामान में मिली. समझ नहीं आ रहा इसे क्या कहूं. जस्ट बी ग्लैड कि इस वक्त सोशल मीडिया नहीं था. ऑफर बुरी नहीं है. थिंक अबाउट इट. They want us to host a special. मुझे क्या फायदा होगा आपके नेटवर्क पे आकर? वही जो मुझे आपके नेटवर्क पे आके होता. You see, बात नेटवर्क की नहीं होती. Together, we can create something amazing. और वैसे भी आजकल जो जर्नलिस्ट पे सवाल उठ रहे हैं, शायद हम उसका जवाब दे सकें. वरीशा खान के बारे में सुना है आपने? मुझे कहा गया था उसकी लीक्ड पिक्चर्स के ऊपर बात करने के लिए. काफी इनसाइड इंफॉर्मेशन भी थी, बट आई सेड नो. मैंने भी. फिर तो वाकई सोचा जा सकता है. मोना, हम कब तक एक ही प्रोफेशन में इस तरह कंपीट करते रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन थक जाएंगे. अच्छा लगा सुनकर. मैं हमेशा सही नहीं हूं. इसका मतलब मैं भी हमेशा गलत नहीं थी. नहीं थी तो ऑफिशियल अपॉलॉजी किस बात की? किसी बात की नहीं. वाज इट गोइंग टू बी हार्ड लाइन? करेंगे इस पे भी बात.
मांगने तेरी मर्जी तेरे दर पे खड़ा हूँ मांगने तेरी मर्जी ढूंढा मैंने है तुझे कहाँ क्योंकि मैं ग्रीन हूं।